हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी डेयर। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी डेयर का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ लिखा है इंट्रोडक्टरी डेयर का डिफिनीशन। इंट्रोडक्टरी डेयर वह है जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो। क्या हो? सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो। इनडिफिनिट का मतलब होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है जो किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है। जैसे राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, तो राम के बारे में कहा जा रहा है तो राम सब्जेक्ट हो गया। द पेन इज रेड, पेन लाल है, तो पेन सब्जेक्ट हो गया। अब आपको मैं बता दूँ कि सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होता है, पहला डिफिनिट सब्जेक्ट और दूसरा इनडिफिनिट सब्जेक्ट। डिफिनिट सब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडिफिनिट होता है। डिफिनिट में जिससे आता है पर्सनल प्रोनाउन आता है, ही सी इट आता है, और डिफिनिट सब्जेक्ट में पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ उसके बाद आपका आता है इनडिफिनिट सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। इनडिफिनिट सब्जेक्ट में जो पर्सनल प्रोनाउन और प्रॉपर नाउन को छोड़कर जो कुछ भी आता है उसको इनडिफिनिट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आ गया पानी, आ गया कोई चीज़ आ गया, तो वहाँ इनडिफिनिट सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो और वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया गया। वर्ब के रूप में किसका प्रयोग किया गया हो? बी का। जैसे मान लीजिए इज आ गया हो, आर आ गया हो, तो आपका इज आर एम आ गया हो, तो बी फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? बी फॉर्म। वर्ब के रूप में बी का प्रयोग किया गया हो, ठीक है ना, और उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का भाव हो, कॉम्प्लीमेंट का भाव हो। जैसे मान लीजिए यहाँ इज आर एम दिया गया है, तो इज आर एम के बाद जो कुछ भी वर्ड आता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। मेन वर्ब के बाद भी जो आता है वह कॉम्प्लीमेंट होता है। इसकी चर्चा मैं आगे की क्लास में करूँगा, ठीक है ना। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि इंट्रोडक्टरी डेयर किसको कहते हैं? जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो और जिस किस सेंटेंस में सब्जेक्ट इनडिफिनिट हो। इनडिफिनिट का मतलब आई मतलब पर्सनल प्रोनाउन ना हो, आई नहीं हो, ही नहीं हो, सी नहीं हो, ठीक है ना, सी नहीं हो, मतलब ही सी इट और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जैसे राम आ गया, राम नहीं हो, कोई नाम नहीं हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। तो इसको छोड़कर अगर कोई दूसरा चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ आ जाए, टेबल आ गया, तो इनडिफिनिट सब्जेक्ट है। टेबल के साथ साथ कोई पेन आ गया तो इनडिफिनिट है। और वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग किया गया हो और कॉम्प्लीमेंट का अभाव हो, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं हो, तो उस स्थान पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से यहाँ इस सेंटेंस को क्लियर करने चल रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में देयर लिखा है पहले, और देयर के साथ साथ इज एम आर लिखा है। हालांकि एम नहीं होगा लेकिन इज आर होगा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, मतलब यहाँ लिखने के बाद पता चलेगा सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे पानी यहाँ लिखा है, पानी है, तो पानी इनडिफिनिट सब्जेक्ट है, तो देयर का प्रयोग करके बनाएंगे, देयर इज वाटर। जैसे ज्ञान लिखा है, ज्ञान है, तो देयर इज नॉलेज, ठीक है ना, ज्ञान है तो देयर इज नॉलेज लिखेंगे। मान लीजिए दूसरा लिखा हुआ चीनी है, तो देर इज शुगर लिखेंगे, ठीक है ना, लाइट है तो देर इज लाइट लिखेंगे। अब इस तरह से जो भी सेंटेंस आएंगे वो आप बना लेंगे अच्छा से। जैसे मान लीजिए पानी नहीं है तो देर इज नो वाटर, ज्ञान नहीं है तो देर इज नो, यहाँ नो लगा देंगे नेगेटिव सेंटेंस। क्या चीनी है तो इज देयर वाटर, इज देयर शुगर, क्वेश्चन मार्क रहेगा। लाइट नहीं है तो देयर इज नो लाइट, तो इस तरह का आप सेंटेंस बना लेंगे देयर से। तो पानी है, चीनी है, ज्ञान है, बुद्धि है का सेंटेंस बनेगा देयर से। अब देखिए दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ लिखा हुआ, दूसरा इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, हुआ करता था, ठीक है ना, और यहाँ बी लिखेंगे और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो जाएगा जो वैसा वर्ड जो लिखने के बाद सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, यहाँ एक स्मारक हुआ करता था, तो जिस किसी सेंटेंस में हुआ करता था, ठीक है ना, हुआ करता था तो उस सेंटेंस में हम यूज़ टू का प्रयोग करेंगे। उस सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे? यूज़ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, वहाँ एक गड्ढा हुआ करता, इसके पहले एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ एक स्मारक हुआ करता था, देयर यूज टू बी अ ग्रेव स्टोन हेयर,
उसके बाद लिखा हुआ है वहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, तो देयर यूज़ टू बी ए ट्रेंच है, देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इस सेंटेंस को आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर यहाँ थर्ड दिया गया है, हुआ करता था तो वहाँ यूज़ टू लिखेंगे, लेकिन यहाँ होगा, होगा का विल भी लिखेंगे, होगा का विल भी लिखेंगे। जैसे देखिए लिखा है सिवान में एक दिन एयरपोर्ट होगा, तो देयर विल बी एन एयरपोर्ट, क्या होगा, एन एयरपोर्ट इन सिवान वन डे, सिवान में एक दिन एयरपोर्ट होगा। मेरे कोचिंग के बगल में एक और कॉलेज होगा, तो देयर विल बी वंस मोर अ कॉलेज बिसाइड माई कोचिंग, वंस मोर का मतलब होता है एक और कॉलेज, ठीक है ना। तो जब भी अगर सेंटेंस होगा, जैसे जैसे आपके घर के सामने एक मंदिर होगा, तो देयर विल बी अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ योर विलेज, है ना। आपके घर के बगल में एक कुआँ होगा, तो देयर विल बी अ वेल बिसाइड योर होम, तो इस तरह का आप सेंटेंस बना लेंगे। अब चलिए आज की इस क्लास में हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, और लास्ट क्लास होगा ये, लास्ट आपका आज का क्लास का ये लास्ट स्ट्रक्चर होगा, आगे के मैं स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट बताऊंगा। यहाँ लिखा है देयर शुड बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, देयर शुड बी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जैसे तुम्हारे गाँव में कम से कम एक कॉलेज होना चाहिए, तुम्हारे गांव में कम से कम एक कॉलेज होना चाहिए, देखिए लिखा है देयर शुड बी एट लीस्ट, माने होता है कम से कम, अ कॉलेज इन योर विलेज, देयर शुड बी अ कॉलेज इन योर विलेज, उसके गांव में एक बाजार होना चाहिए, तो देयर शुड बी अ मार्केट इन हिज विलेज। तो आज की इस क्लास